Hope you are doing well. And today we have the topic of discussion from financial reporting is chapter number 14, और ये कैप्लान के स्टडी टेक्स्ट में से है सीक्वेंस वाइज. और इस चैप्टर का जो नाम है वो है अर्निंग पर शेयर, और इसको डील करता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 33. ठीक हो गया जी. ओके जी, कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं लिख देता हूँ, उसके बाद हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं. इम्पोर्टेंट बात ये है कि एज़ पर IAS 33 इट इज़ इम्पेरेटिव का मतलब है बहुत ज़रूरी है फॉर लेट मी करेक्ट इट हियर वी गो IAS 33 के तहत ये बहुत ज़रूरी है फॉर कंपनीज टू प्रेजेंट देयर EPS हुज शेयर्स आर पब्लिकली ट्रेडेड. ठीक है, इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि वो कंपनीज जो कि लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंज में, जिनके शेयर्स मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज में ख़रीदे बेचे जाते हैं आवाम तक, उनके लिए ज़रूरी है कि वो EPS तो हर सूरत मेंशन करेंगे. नंबर टू इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि द कंपनीज विच प्रिपेयर्स ग्रुप्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नीड्स टू डिस्क्लोज अर्निंग पर शेयर ऑन द बेसिस ऑफ कंसोलिडेटेड फिगर्स. अगेन इट इज़ फॉर लिस्टेड कंपनीज, यानी कि जो कंपनीज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो EPS शो करेंगी सिर्फ कंसोलिडेटेड फिगर्स के साथ. ठीक है, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करते हैं कि प्रॉफिट में और EPS में क्या फ़र्क है. जो EPS है, याद रखिएगा, ये कंपनी की परफॉर्मेंस का बेस्ट इंडिकेटर है. नंबर वन, जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं या एक्चुअल इन्वेस्टर्स होते हैं वो EPS को बेस बना के डिसीजन ले रहे होते हैं. इसके अलावा और भी अदर वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन मेन चीज़ उनका फोकस किसके ऊपर होता है? EPS के ऊपर होता है. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, देन यू अंडरस्टैंड व्हाई EPS इज़ इम्पोर्टेंट. फॉर एग्जांपल, दो कंपेटिटर्स हैं, एक है ए और एक है बी. एज्यूम कर लो एक है ए लिमिटेड और एक है बी लिमिटेड. दोनों का साइज़ एक ही जैसा है, दोनों के कस्टमर्स एक जैसे हैं, दोनों ने इकट्ठे ही स्टार्ट किया था. एक का प्रॉफिट है $100,000 का और एक का प्रॉफिट है $10,000 का. ठीक है, अब अगर प्रॉफिट की बेस के ऊपर आपको कहा जाए कि इन्वेस्टमेंट करनी है, तो ज़ाहिर है आपकी नज़रें एक कंपनी के ऊपर जम जाएंगी, यार इसका प्रॉफिट ज़्यादा है लिहाजा मैं इन्वेस्टमेंट जो है वो ए कंपनी के अंदर करूँगा. बी कंपनी का प्रॉफिट कम है लिहाजा मैं जो इन्वेस्टमेंट है वो बेसिकली ए कंपनी के अंदर करूँगा, चूँकि बी का प्रॉफिट कम है. लेकिन अगर मैं इससे अगली बात आपको ये बताऊँ कि ये जो ए कंपनी है इसने 10,000 शेयर्स इशू किए हैं, मतलब हैविंग 10,000 शेयर्स अगेंस्ट प्रॉफिट, तो पर शेयर अर्निंग कितनी जा रही होगी? फॉर एग्जांपल, अर्निंग पर शेयर $100,000 का प्रॉफिट हुआ है, 10,000 उसने शेयर्स इशू किए हुए हैं, इसका मतलब है पर शेयर वो अपने शेयर होल्डर को $10 पे कर रहा होगा ईच. लेकिन जो कंपनी बी है इसके शेयर होल्डर तो सिर्फ और सिर्फ 100 हैं. अब बी कंपनी की जो EPS निकलेगी वो है 10,000 डिवाइडेड बाय 100, और जब EPS मैं निकालूंगा
तो वो अपने शेयर होल्डर्स को $100 ईच पे कर रहा होगा। अगर प्रॉफिट की बेस के ऊपर आप डिसीजन ले रहे होते तो आपने एक कंपनी लॉक कर देनी थी, लेकिन एक कंपनी जब शेयर पे करती तो आप कहते जी इसने तो मुझे हर शेयर के बदले $10 पे किया है। बी कंपनी का प्रॉफिट तो कम था, लेकिन अगर आप उसका शेयर ले लेते तो आपकी अर्निंग $100 पर शेयर थी। तो हु इज़ बेटर? बी इज़ बेटर। तो आपने कोई भी डिसीजन आइसोलेशन में नहीं लेना, बल्कि उसके साथ जो रेलिवेंट रेशो होगी उसको लाजमी देखना। तो अर्निंग पर शेयर आपको ये बताती है, जैसे कि नाम से तय है, कि हर शेयर के अगेंस्ट कितनी आप डिविडेंड अर्न कर रहे हैं। मेक सेंस? अब हम बात करते हैं अर्निंग पर शेयर के फार्मूले की। तो EPS का जो फार्मूला है वो है, न्यूमरेटर में आता है अर्निंग्स और डिनोमिनेटर में जो है वो आता है शेयर्स, अर्निंग्स डिवाइडेड बाय शेयर्स। अब ये अर्निंग्स क्या है उसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करने लगा हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय अर्निंग्स। अर्निंग्स मीन्स ग्रुप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट माइनस इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड। ये अर्निंग्स का फार्मूला है। अगर आप कहते हैं कि सर सिंगल एंटिटी है, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाती, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा माइनस इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड हो जाएंगे, तो वो न्यूमरेटर में आएगा। और याद रखिएगा कि आपके जितने सवालात हैं एग्ज़ाम किट के प्लान और BPP दोनों में ही आपको अर्निंग्स दी हुई होंगी, ठीक है, 99% आपको अर्निंग्स दी हुई होंगी, तो आपको कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको ना दी हों तो उसको कैलकुलेट ऐसे किया जाएगा, आपको इनकम स्टेटमेंट और अदर रेलिवेंट चीज़ें दी हुई होंगी। जो डिनोमिनेटर है उसमें शेयर्स है, और शेयर से मुराद क्या है, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। अब वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर से मुराद क्या है, कि आपने जो नंबर ऑफ शेयर्स डिनोमिनेटर में लेने हैं उनका वेट निकालना है। वेट क्यों निकालना है, मैं आपको एक एग्जांपल जो है वो देने लगा हूँ, और से देखिएगा। देखिए फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसका अकाउंटिंग पीरियड 1 जनवरी को स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को क्लोज होता है, ठीक है। उसने जो प्रॉफिट है पूरे साल का वो कमाया है $10,000 का। 1 जनवरी को उसके जो नंबर ऑफ शेयर्स थे वो थे 100,000 शेयर्स। फिर 1 जुलाई को उसने 50,000 शेयर्स और इशू कर दिए। ज़ाहिर है 50,000 शेयर्स और इशू किए होंगे तो कैश आया होगा। अब जब मैं अर्निंग पर शेयर निकालूंगा तो प्रॉफिट फॉर द ईयर तो मेरे पास है 10,000, इज़न्ट इट, और 31 दिसंबर को टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, 150,000। तो आपको नहीं लगता कि ये इनजस्टिस है? वो इनजस्टिस कैसे है? इनजस्टिस ऐसे है कि 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक तो 100,000 शेयर्स शेयर होल्डर के पास थे, तो पूरे साल का प्रॉफिट उनमें डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। 50,000 शेयर्स तो इशू ही आपने 1 जुलाई को किए हैं और शेयर होल्डर्स आपके 1 जुलाई को बने हैं, तो 31 दिसंबर तक दे हैव बीन विद यू ओनली 6 मंथ्स, इजेंट इट। तो आपने उसको भी 100,000 में शामिल करके 10,000 के प्रॉफिट से डिवाइड कर दिया, इसका मतलब यू आर गिविंग कंट्रीब्यूशन फॉर द होल ईयर, जबकि दे हैव बीन विद यू सिंस 6 मंथ्स। तो ज़्यादती है ना उन लोगों के साथ जिनके पास पूरे साल शेयर्स रहे हैं, उनको भी उतनी ही अर्निंग दे रहे हैं जितनी अर्निंग आप उन 50,000 शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं जो कि बने ही आपके शेयर होल्डर 1 जुलाई को। ऐसा ही है ना। दूसरा इसका एस्पेक्ट क्या है? दूसरा एस्पेक्ट ये है कि कैश आपके पास 1 जुलाई को दाखिल हुआ चूँकि आपने नंबर ऑफ़ शेयर्स इशू किए हैं, ठीक है। जब कंपनी के पास कैश आता है तो डायरेक्टली वो प्रॉफिट क्रिएट नहीं करता, इनडायरेक्टली करता है। आप मज़ीद चीज़ें खरीदते हैं, मज़ीद चीज़ें बेचते हैं, तो प्रॉफिट क्रिएट होता है।
इस बेसिस के ऊपर भी जो 6 मंथ्स आखिरी हैं उनमें भी आपकी अर्निंग इंक्रीज हुई होंगी बिकॉज ऑफ इशू ऑफ न्यू शेयर्स, आपने मज़ीद इन्वेस्टमेंट की होंगी, तो इसलिए भी उस अर्निंग को आपने टाइम अपोर्शन करना है, इसलिए आप वेट निकालते हैं शेयर्स का, जो कि बहुत आसान है। आप समझ आ गई है वेट क्यों निकालते हैं शेयर्स का? ओके जी, अब हम बारी बारी कॉन्सेप्ट देखते हैं और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सबसे जो पहला कॉन्सेप्ट है अर्निंग पर शेयर में, वो है इशू ऑफ शेयर्स एट फुल मार्केट प्राइस, एट फुल मार्केट प्राइस। याद रखिएगा ये चैप्टर बहुत आसान है, अगर आपको कैलकुलेशंस आ गई, अगर आपने ट्रीटमेंट याद रखा, आपके पक्के 2, 4, 6 नंबर आएंगे जितने नंबर का ये सवाल आएगा। ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स एट फुल मार्केट प्राइस, इसका मतलब क्या है? आपने मार्केट में शेयर बेच दिए, मज़ीद इशू कर दिए मज़ीद। देखें इसमें जो ट्रीटमेंट है वो आपने लिखना है, सबसे पहले अर्निंग शुड बी टाइम अपोर्शन्ड, ओवर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। अर्निंग आपकी टाइम अपोर्शनड होंगी ओवर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। याद रखिएगा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स को मैं वैन्स कह रहा हूँ, ठीक है, WANS। ये चीज़ अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने आपको ऊपर एग्जांपल बताई है कि आप 50,000 शेयर्स जो आपने यकम जुलाई से इशू किए हैं उनको फिर वेट निकालेंगे 6 मंथ्स के ऊपर, और 1,00,000 तो पूरे साल के पास, पूरे साल आपके पास रहे। अच्छा, अब जो भी नया कॉन्सेप्ट आएगा उसको टैकल करने के लिए हम एग्जांपल लिख रहे होंगे, तो यहाँ पर मैं एक न्यूमेरिकल लिखने लगा हूँ एग्जांपल वाइज, उसी एग्जांपल को हम आगे भी लेके चलेंगे। अच्छा, फॉर एग्जांपल ऑन 1 जनवरी 2023 ABC कंपनी हैड 100,000 shares in issue. On 1st April, it further issued 20,000 shares at full market price. On 1st October 2023, it further issues 30,000 shares at full market price. Earning for the year is $35,000. Requirement क्या है? Requirement में वो कह रहा है calculate earning per share. आप earning per share निकालेंगे, ठीक है? मैं ऐसा करता हूँ, अर्निंग पर शेयर का फार्मूला लिख लेता हूँ, EPS इज इक्वल टू अर्निंग्स, और मैंने आपसे गुजारिश की कि अर्निंग्स अमूमी तौर के ऊपर हमेशा आपको दी हुई होंगी, डिवाइडेड बाय शेयर्स, मैं उसकी जगह वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स लिख लेता हूँ। अर्निंग्स आपको दी हुई हैं $35,000 की। अब आपने वैन्स निकालना है। वैन्स निकालने के लिए बेसिकली आप क्या करेंगे, वैन्स निकालने के लिए आप टेबल बनाएंगे कंसिस्टिंग ऑफ सम कॉलम्स, जो कि मैं आपके सामने बनाने लगा, जस्ट वेट। ओके जी, अगर आप देखें तो मैंने बेसिकली इशू ऑफ शेयर्स एट फुल मार्केट प्राइस के लिए
वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए चार कॉलम बनाए हैं। पहला कॉलम डेट का है, दूसरा शेयर्स का है, तीसरा टाइम फ्रैक्शन का है, चौथा वैंस का है। सबसे पहले आपने देखना है कि साल का आगाज़ कब हुआ। साल का आगाज़ जो है वो 1 जनवरी को हुआ है, और नेक्स्ट एक्टिविटी कब हुई है, 1 अप्रैल को हुई है। तो आपने नेक्स्ट एक्टिविटी से एक दिन पहले तक, आपने साल के शुरू से लेके नेक्स्ट एक्टिविटी से एक दिन पहले तक जो नंबर ऑफ़ शेयर्स आपके पास मौजूद रहे हैं उनको लिखना है, जैसे कि मैं आपके सामने लिखने लगा हूँ। अच्छा, 1 जनवरी से लेके एक्टिविटी हुई है 1 अप्रैल तक, तो एक दिन पहले 1 मार्च आपके पास एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने थे, 100,000, और टाइम फ्रैक्शन कितना बनता है, 3/12। फ्रैक्शन का मतलब होता है देर मस्ट बी समथिंग ऑन न्यूमिरेटर एंड देर मस्ट बी समथिंग ऑन डिनोमिनेटर। और अगर मैं इसका वेट निकालूं तो मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा, डिवाइडेड बाय 12 करूंगा 1 लाख को, तो 3 महीनों का वेट निकलता है 25,000। ठीक है, फिर एक्टिविटी कब हुई है, 1 अप्रैल को हुई है। अगर आप ये देखें, ये 1 अप्रैल है, नेक्स्ट एक्टिविटी 1 अक्टूबर को हुई है, तो 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर से एक दिन पहले तक 30 सितंबर बनता है, 1 अप्रैल टिल 30 सितंबर। 1 लाख शेयर्स तो आपके पास मौजूद थे, मज़ीद आपने कितने शेयर्स इशू कर दिए हैं, 20,000। ऐसा ही है, 1 लाख पहले भी थे जो कि पूरा साल रहेंगे, 20,000 मज़ीद इशू कर दिए हैं। तो ये जो टाइम पीरियड 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक है, 20,000 और ऐड हो गए, तो ये कितना बन गया, 1,20,000। अब इनका वेट निकालना है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6/12। ऐसा ही है, तो ये मेरा ख्याल है 60,000 बनते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी चेक इट, मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12। अब नेक्स्ट एक्टिविटी आपने परफॉर्म करनी है, देखना कब हुई है, 1 अक्टूबर को आपने मज़ीद शेयर इशू किए 30,000, और फिर रिपोर्टिंग डेट 31 दिसंबर आ गई। तो 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक मज़ीद हमारे पास शेयर्स कितने आ गए, 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक, एक 20 तो पहले से था, मज़ीद 30 ऐड हो गए, तो ये हो गया 1,50,000। सॉरी, टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने बनते हैं, तो आप 3/12 करेंगे इसको, तो 1,50,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, ये बनते हैं 37,500। ठीक है, अब इसका अगर हमने टोटल किया तो ये हमारे पास वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो निकल आएंगे, जैसे कि मैं करने लगा हूँ, 25,000 जमा 60,000 जमा 37,500, ये बनता है 1,22,500। ठीक है, 1,22,500। अगर अर्निंग पर शेयर मैंने डॉलर्स में निकालनी है तो मैं 35,000 की जो अर्निंग्स हैं डॉलर में डिवाइड करूंगा टोटल वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स 1,22,500 के साथ, तो मेरी अर्निंग पर शेयर निकलती है 0.286 डॉलर ईच। सॉरी, कभी कभार वो आपसे कहता है कि आप अर्निंग सेंट्स में निकालें, सवाल दिया होगा और लिखा होगा सेंट्स में निकालें, तो आपने अर्निंग जो डॉलर में निकली है अगर आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 सेंट के साथ, जो अर्निंग आपकी डॉलर में निकली होगी उसको 100 सेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो अर्निंग सेंट्स में निकल आएगी 28.57 सेंट ईच। समझ रहे हैं बात, तो आपने गौर से देख लेना है कि उसने अर्निंग किस में पूछी हुई है। अगर उसने डॉलर में पूछी हुई है तो ऐसे निकलेगी, और अगर उसने सेंट्स में पूछी है तो आपने मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। ठीक है, मेक सेंस? ओके जी, हियर वी गो, आगे चलते हैं, एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं कि हमसे मजीद क्या पूछ रहा है वो। इशू ऑफ शेयर्स एट फुल मार्केट प्राइस हो गया नंबर 2 कॉन्सेप्ट। नंबर 2 कॉन्सेप्ट है इशू ऑफ शेयर्स एट फुल मार्केट प्राइस एंड बोनस इशू।
कि आपने मज़ीद शेयर भी इशू कर दिए हैं और आपने बोनस शेयर्स भी इशू किए हैं, ठीक है। तो मज़ीद शेयर जो इशू किए हैं उसके लिए वैंस तो बिल्कुल ऐसे निकलेगा जैसे मैंने ऊपर निकाला है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बोनस इशू? तो सबसे पहले हम बोनस इशू को देख लेते हैं कि बोनस इशू क्या है जो आपने F3 के कोर्स में पढ़ा हुआ है। बोनस इशू, बोनस इशू को कैपिटलाइजेशन इशू भी कहा जाता है और स्क्रिप इशू भी कहा जाता है, ठीक है। कैपिटलाइजेशन इशू और स्क्रिप इशू। नाउ वी हैव टू सी व्हाट डू यू मीन बाय बोनस शेयर्स, बोनस इशू। चल देखिए, बोनस शेयर्स जो हैं वो कंपनी को, बिजनेस को, दे डू नॉट प्रोवाइड एनी एडिशनल रिसोर्सेज टू द बिजनेस, डू नॉट प्रोवाइड, बोनस शेयर्स की बात करूं, एडिशनल रिसोर्सेज टू द बिजनेस। क्योंकि बोनस शेयर कैश के अगेंस्ट इशू ही नहीं किए जाते ना, आपको पता है F3 के कोर्स में। नंबर टू, शेयर होल्डर्स वेल्थ रिमेन सेम, शेयर होल्डर्स वेल्थ रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर इट्स इशू। इट्स से मुराद है बोनस शेयर, कि बोनस शेयर इशू करने के बाद शेयर होल्डर की वेल्थ पे टका फर्क नहीं पड़ता, दैट रिमेन सेम। बोनस शेयर इशू करें या ना करें, शेयर होल्डर्स की वेल्थ में कोई चेंज नहीं आएगा। शेयर होल्डर्स की वेल्थ से मुराद क्या है? शेयर होल्डर्स की वेल्थ से मुराद बेसिकली है इक्विटी। और आपको पता है इक्विटी में चार चीज़ें आती हैं, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रीवैल्यूएशन सरप्लस, रिटेंड अर्निंग। और इक्विटी डज नॉट इफेक्ट, इक्विटी में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बोनस शेयर शेयर प्रीमियम से लेके शेयर कैपिटल में डाल दिए जाते हैं। शेयर प्रीमियम से इशू होते हैं ना, शेयर प्रीमियम में पैसे ना हो तो रिटेंड अर्निंग से इशू कर देंगे। इक्विटी तो एज इट इज़ ही रहेगी। बिल्कुल ऐसा ही है कि मैंने अपनी लेफ़्ट पॉकेट से 10 रुपये निकाल के फ्रंट पॉकेट में डाले तो मेरी ओवरऑल पर्सनैलिटी के ऊपर कोई इम्पैक्ट आया? कोई फ़र्क नहीं पड़ा, टका फ़र्क नहीं पड़ा। मेक सेंस? अब हम बात करते हैं बोनस शेयर्स के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के ऊपर जो कि अर्निंग पर शेयर से रिलेटेड है। इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ओके जी, पहली बात, इट इज़ ऑलवेज कंसिडर, हमेशा आपने ये अजम्पशन लेनी है, बोनस शेयर्स आर डीम्ड टू बी इशूड एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। नहीं नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, मतलब इसका ये है कि शेयर जब भी बोनस इशू किए हों जिस अकाउंटिंग पीरियड में, आपने EPS के लिए एग्जम्पशन ले लेनी है, वो हमेशा साल के शुरू में ही आपने इशू किया हुआ, क्योंकि उससे तो अर्निंग्स आपकी इफेक्ट ही नहीं होती, मज़ीद कैश आता नहीं है, प्रॉफिट इंक्रीज़ ही नहीं होता। तो आप इसको कंसिडर करेंगे साल के शुरू में ही जैसे इशू किए हुए। नंबर टू, कंपैरेटिव फिगर्स should be restated by multiplying the inverse of bonus fraction। कंपैरेटिव फिगर का मतलब पिछले साल की अर्निंग पर शेयर, उसको इस साल दोबारा रीस्टेट करना है, लिख देना है। कैसे लिखना है? बोनस फ्रैक्शन का इन्वर्स ले लेना है, बोनस फ्रैक्शन को उल्टा कर देना है।
इनवर्स ऑफ बोनस फ्रैक्शन, ठीक है। वो कैसे करना है वो मैं आपको समझा दूंगा, दैट्स नॉट अ बिग डील। अभी थ्योरी कंप्लीट करते हैं। अगर कंपनी इशू ऑफ फुल शेयर्स एट मार्केट भी कर रही है, बोनस शेयर्स भी इशू कर रही है, तो बिजनेस नीड्स टू अप्लाई बोनस फ्रैक्शन फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ईयर। Until bonus shares are issued, कहता है कि अगर कंपनी फुल मार्केट शेयर भी इशू कर रही है, बोनस शेयर भी इशू कर रही है साल में, तो बोनस फ्रैक्शन आपने अप्लाई करना है साल के शुरू से लेके तब तक जब तक आपके बोनस शेयर इशू नहीं हो जाते, ठीक है। ये जो थ्रेटिकल चीज़ें हैं, जब मैं प्रैक्टिकली करूँगा आपके साथ तो आप उस वक्त क्लियर समझ आ जाएगी। बोनस फ्रैक्शन कैसे निकलता है वो ज़रा गौर से देखिएगा। मैं कहता हूँ कि 1/5 बोनस शेयर्स, तो बोनस फ्रैक्शन क्या होगा, जिसके पास 5 होंगे उसको 1 बोनस शेयर दिया जाएगा ना। अब एक और मिलेगा उसके पास 6 हो जाएंगे, तो 6/5। और इनवर्स ऑफ बोनस फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इसी को पुट्ठा कर दें, उल्ट कर दें, यानी न्यूमिरेटर को डिनोमिनेटर में ले जाएं, डिनोमिनेटर को न्यूमिरेटर में ले जाएं, यानी कि 5 ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा, तो इनवर्स ऑफ बोनस फ्रैक्शन। अब ये जो सारी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट मैंने लिखा है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इशू ऑफ शेयर्स एट फुल मार्केट प्राइस एंड बोनस इशू, मैं आपको प्रैक्टिकली टैकल करने सिखाना चाहता हूँ। वही एग्जांपल जो ऊपर लिखी है उसको मैं नीचे लेके आऊँगा और उसमें छोटा सा पंगा करूँगा, उसके बाद मैं इसको सॉल्व करता हूँ। चलें जी, वही सवाल मैंने नीचे पेस्ट किया, इसमें छोटा सा पंगा किया, वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। देखें, ऑन जकम जनवरी 2023 एबीसी कंपनी हैड 100,000 शेयर्स इन इशू, ऑलरेडी उसके 100,000 शेयर्स मार्केट में प्रिवेल कर रहे थे। 1 अप्रैल इट फर्दर इशू 20,000 शेयर्स एट फुल मार्केट प्राइस, ओके वही बात। अगला वो कह रहा है, ऑन 1 अक्टूबर 2023, यहाँ से मैंने चेंज किया है, इट इशूज 1/5 बोनस शेयर्स, उसने 1 शेयर बोनस इशू किया है 5 के बदले में, ठीक है। अर्निंग फॉर द ईयर इज 35,000, कहता है अर्निंग जो है वो 35,000 है इस साल 31 दिसंबर 2023 के लिए, 23 के लिए। कहता है कैलकुलेट ईपीएस, और एक और चीज़ ऐड की है, वो कहता है जो ईपीएस है पिछले साल की 31 दिसंबर 2022 की, वो है $0.21 ईच। अब जब भी आपके पास इशू ऑफ शेयर्स एट फुल मार्केट प्राइस हो, जो कि आपने देखा कैसे पता चला, 1 अप्रैल को मजीद शेयर इशू कर रहा मार्केट में, तो ये बनते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट फुल मार्केट प्राइस। फिर 1 अक्टूबर को बोनस शेयर्स इशू कर रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट है इशू ऑफ शेयर्स एट फुल मार्केट प्राइस एंड बोनस शेयर्स। जब भी ये दो कॉन्सेप्ट इकट्ठे होंगे तो आपका एक कॉलम मजीद ऐड होगा, जो कि मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने लगा। पहला वही डेट का आएगा, दूसरा शेयर्स का आएगा, तीसरा टाइम फ्रैक्शन का आएगा, चौथा बोनस फ्रैक्शन का आएगा, ठीक है। चौथा बीएफ से मुराद बोनस फ्रैक्शन है। पांचवा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आएगा। अच्छा, अब इंसिडेंट कब हुआ है, 1 अप्रैल को हुआ है, इसका मतलब है यकम जनवरी से लेके 31 मार्च तक आपके पास 100,000 शेयर्स थे। टाइम फ्रैक्शन बनता है 3/12। बोनस फ्रैक्शन कैसे बनेगा, जो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, वो बोनस फ्रैक्शन के बारे में कहता है 1/5 बोनस इशू, तो जिसके पास 5 होंगे उसको 1 और मिल जाएगा, तो 6 हो जाएंगे, तो बोनस फ्रैक्शन बनेगा 6/5। अब इसको सॉल्व करते हैं, 100,000 इंटू 3/12 इंटू 6/5, ये बनते हैं आपके 30,000 वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। बोनस शेयर्स कब इशू हो रहे हैं, 1 अक्टूबर को, नहीं उससे पहले 1 अप्रैल को मजीद उसने 20,000 शेयर्स इशू किए, और अगला इंसिडेंट हो रहा है 1 अक्टूबर को, तो 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक, 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक मजीद 20,000 शेयर इशू किए, 100,000 तो पहले भी पड़े हुए थे वो भी चल रहे होंगे ना आगे,
तो टोटल शेयर्स कितने हो गए 1,20,000। टाइम फ्रैक्शन बनता है 6/12, बोनस फ्रैक्शन बनता है 6/5। इसको सॉल्व करते हैं, 1,20,000 इंटू 6/12 इंटू 6/5, ये बनते हैं 72,000। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अब 1 अक्टूबर को वो बोनस शेयर इशू कर रहा है। बोनस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिए जाते हैं। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कितने हैं, 1,20,000 है ना, 1,00,000 थे पहले, अब हो गए 1,20,000। तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 5 into 1, तो बोनस शेयर्स हम कितने इशू कर रहे होंगे, 1,20,000 ऑलरेडी शेयर इशू हैं, जिनके पास 5 होंगे उनको 1 शेयर इशू दिया जाएगा, तो 24,000 बोनस शेयर्स। तो 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक 1,20,000 ऑलरेडी थे, मजीद 24,000 बोनस शेयर इशू कर दिए, तो कितने हो गए, 1,44,000। टाइम फ्रैक्शन 3/12, बोनस फ्रैक्शन निल। क्यों बोनस फ्रैक्शन निल हुआ है जी, वो ऊपर देखें हमने क्या लिखा था कि अप्लाई बोनस फ्रैक्शन फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ईयर अनटिल बोनस शेयर्स आर इशूड, कि जैसे ही बोनस शेयर इशू होंगे तो बोनस फ्रैक्शन अप्लाई होना बंद हो जाएगा। 1,44,000 इंटू 3/12, ये बनते हैं 36,000। चले अब आपके जो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो निकाल लेते हैं, 30,000 जमा 72,000 जमा 36,000, ये बनते हैं 1,38,000। ठीक है, अब अगर हम EPS निकालें, अर्निंग्स आपको दी हुई हैं वही 35,000, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आपने निकाल लिया है 1,38,000, अर्निंग्स डॉलर्स में होती हैं, तो 35,000 को अगर हम 1,38,000 से डिवाइड कर दें तो पर शेयर अर्निंग डॉलर्स में आ रही होगी $0.253 ईच, और अगर सेंट में निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये निकली है 31 दिसंबर 2023 की। अब जो 31 दिसंबर 2022 की है, जब भी बोनस एलिमेंट होगा किसी भी सवाल में तो आपको पिछले साल की फिगर को रीस्टेट करना है। कंपैरेटिव फिगर कहलाती है पिछले साल की फिगर, रीस्टेटेड। कैसे होगी, पिछले साल की फिगर क्या है जी, पिछले साल EPS थी आपकी $0.21, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इनवर्स ऑफ बोनस फ्रैक्शन। बोनस फ्रैक्शन क्या है, 6/5, उसको उल्ट करें तो 5/6 बनेगा, तो 0.21 into 5 divided by 6, तो ये आपकी निकल आएगी पिछले साल की जो फिगर EPS है, हमने रीस्टेट किया तो 0.175 निकल आई। मेक सेंस, तो सिंपल इसकी अकाउंटिंग है, अगर आपको स्टेप याद हुए तो आप इजीली टैकल कर लेंगे।